Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया भर में ऐसी तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में आप आज तक नहीं जान पाए होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि समंदर के नीचे पानी में स्थित होने की वजह से भी जाना जाता है। दरअसल इंडोनेशिया के बाली द्वीप में समंदर के नीचे भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर मौजूद है। दुनिया भर से इंडोनेशिया घूमने आने वाले पर्यटक इस अनोखे मंदिर को देखने ज़रूर जाते हैं। बता दें कि वैसे तो बाली में बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन मंदिर बिल्कुल अलग बाली के पे मुतेरना में बीच समुद्र से 90 फीट नीचे मौजूद स्थित है। ये मंदिर आज भी लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। इंडोनेशिया में समुद्र नीचे बना ये मंदिर काफ़ी पुराना है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है लेकिन इसमें विष्णु की मूर्ति भी है जो लगभग 5000 साल पुरानी है। इस मंदिर में जाने के लिए लोग स्कूबा डाइविंग और स्विमिंग के जरिए पहुंचते हैं। समुद्र के नीचे बसा ये मंदिर देखने में खंडहर जैसा लगता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये द्वारका नगरी हो सकती है क्योंकि ये द्वारका नगरी समुद्र तट के किनारे बसी हुई थी। कुछ समय बाद वो नगरी समुद्र में विलीन हो गई थी। भगवान विष्णु और शिव के अलावा यहाँ और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो पुराने समय में होने वाले पूजा पाठ को दर्शाती हैं। हिंदू देवी देवताओं के साथ यहाँ भगवान बुद्ध की भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मौजूद हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.